मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस में क्या अंतर है, इसको बताने से पहले यह मैं दिखा दूं आपको कि यह एक एग्जांपल है आपके मैक एड्रेस का, और यह जो आगे एग्जांपल आपको दे रहा हूं यह है आपका आईपी V4 का एड्रेस और यह है आपका आईपी V6 का एड्रेस। मैक एड्रेस आपका 48 बिट का होता है, आईपी V4 का एड्रेस 32 बिट का होता है, आईपी V6 आपका 128 बिट का होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारे जो IPv4, IPv6 आईपी एड्रेस हैं, ये डॉटेड डेसिमल होते हैं IPv4 का। IPv4 डॉटेड डेसिमल है, यानी कि ये डेसिमल नंबर है और ये डॉट से सेपरेटेड है, अलग अलग है। ये जो है आपका हेक्साडेसिमल है IPv6 और साथ में कोलन से सेपरेटेड है, ये डॉट से कोलन से। मैक एड्रेस जो है वो कोलन से भी सेपरेटेड हो सकता है, डॉट से भी हो सकता है और हाइफन से भी हो सकता है, पीरियड या हाइफन तीनों से सेपरेट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी हैंडलिंग, कंपनी के हिसाब से होता है क्योंकि ये स्पेसिफिक होता है। अब आप देखिए कि यहां पर एक आपका घर है, ठीक है, इस घर पे एक आपने राउटर ले लिया यानी कंपनी से सर्विस ले ली, यहां तक आपका पैकेट पहुंच गया, यहां पर आप हैं, यहां पर आपका बेटा है, आप यूज कर रहे हैं कोई वेबसाइट, आपका बेटा अभी गेम खेल रहा है ऑनलाइन। अब ये जो पैकेट है ऑनलाइन का वो इसके पास जाना चाहिए और ये पैकेट जो वेबसाइट का वो यहां जाना चाहिए, ये कैसे डिसाइड होगा? आईपी से आपने लोकेट तो कर लिया कि इस घर में जाना है, लेकिन इस पैकेट को भेजना किस कंप्यूटर पे है वो डिसाइड होगा आपके मैक एड्रेस से। मैक एड्रेस आपके कंप्यूटर पे जो NIC कार्ड है उसमें चस्पा होता है, उसमें निहित होता है, उसमें एम्बेडेड होता है, मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी डाल दिया जाता है। इसीलिए आईपी एड्रेस को हम लॉजिकल एड्रेस कहते हैं क्योंकि ये परिवर्तित भी हो सकता है। आप अपने कंप्यूटर में जाएंगे, आप आईपी अपने आप चेंज कर सकते हैं, इंटरनेट पे आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो भी कंपनी जिससे इंटरनेट खरीदा है वो आपको आईपी प्रोवाइड करेगा, जिसे हम पब्लिक आईपी कहते हैं, है ना। और अगर आप अपने नेटवर्क पे हैं तो आप अपना प्राइवेट यूज कर सकते हैं, लेकिन आईपी चेंज हो सकते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे जो ये नंबर डाल दिया गया है वो आपके कंप्यूटर में कभी नहीं चेंज होगा, चाहे वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाइए, ठीक है। ये मोटा मोटा अंतर पता चल गया आपको। अब आइए यहां पर, अब आप बोलेंगे कि भाई ये आईपी देते कहां है। आईपी एड्रेस जो है, जैसे आप अपने नेटवर्क पे जाएंगे, मतलब से नेटवर्क सेटिंग पे जाएंगे कंप्यूटर में, तो यहां पर आप देखेंगे ये आईपी एड्रेस दिया गया है। आईपी एड्रेस के अलग अलग क्लासेस होते हैं, क्लास लेस भी होता है, क्लास फुल भी होता है। क्लास लेस जैसे ये 192.168 है, ये क्लास सी एड्रेस है। हर एक क्लास है, क्लास बी, क्लास सी, उनका एक सबनेट मास्क होता है। ये सबनेट मास्क बताता है कि उस नेटवर्क में कौन से कितने सबनेट है, कितने पार्ट है, वो ये बताता है। मतलब नेटवर्क के भी नेटवर्क हो सकते हैं ना, वो है। तो ये आपके कंप्यूटर में आपको दिख जाएगा। अब आते हैं कि किसके डिफरेंस पे। ध्यान रखिए MAC का फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये आपका जो आपकी ISO OSI लेयर है उस पर किस पे काम करता है, ये D डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, ठीक है जी। मैक एड्रेस क्योंकि ये फिजिकल एड्रेस है और फिजिकल एड्रेस आपके NIC कार्ड में डला हुआ है। आईपी एड्रेस जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म है आईपी का, और ये आपका नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है। किसका? नेटवर्क लेयर का। बगैर आईपी और मैक को मिलाए हुए आप किसी भी सिस्टम को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कोई कहेगा आईपी से कर सकते हैं तो गलत कह रहा है, आईपी के साथ मैक जोड़ना पड़ेगा तब यूनिकली आप किसी भी वर्ल्ड में किसी भी कंप्यूटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैक एड्रेस जो है वो एक यूनिक एड्रेस है क्योंकि ये फिजिकल एड्रेस है, ये ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर, चाहे आपका सिस्को हो, चाहे आपका गूगल हो, चाहे आप कोई और कंपनी ले लीजिए, HP ले लीजिए, उनके द्वारा ये मैन्युफैक्चरर ने ऑलरेडी दे दिया है, क्योंकि इसमें जो पहले 3 ऑक्टेट होते हैं वो OUI होते हैं। OUI का मतलब ये है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसको दिया गया है, IEEE ने दिया है कि देखिए साहब ये 3 आप यूज करिए, ये 3 आप यूज करिए, तो ये फिक्स्ड होते हैं। इससे पता चलता है कौन सी कंपनी का NIC कार्ड है और उसमें मैक एड्रेस क्या है। जब तक आईपी एड्रेस के बारे में बात करते हैं, ये एक लॉजिकल एड्रेस है। अगर आपने ये नंबर दिया तो मैं चेंज कर सकता हूं ना इसको, 10.10 को 10.9 कर दूं, ऐसे कर सकता हूं। और दूसरा ये है कि जब आप प्राइवेट आईपी पे आते हैं या आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो आपको ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसको आप पैसा देते हैं इंटरनेट के लिए, जिस कंपनी को, वो आपको ये एड्रेस प्रोवाइड करेगा। क्लियर? जो मैक एड्रेस है वो फिजिकल एड्रेस है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में ऑलरेडी दिया होता है, इससे यूनिकली आइडेंटिफाई होता है आपका कंप्यूटर।
लेकिन आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस है जो कि इस तरह डॉटेड डेसिमल फॉर्म में होता है, या फिर अगर IPv6 आप यूज करना शुरू कर चुके हैं तो फिर ये कोलन सेपरेटेड हेक्साडेसिमल नंबर होता है। डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, जैसे मैंने आपको बता दिया, इसको आपको दिमाग में बिठा लेना है। ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ये भी मैं बता चुका आपको। मैक एड्रेस एक हार्डवेयर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये हार्डवेयर जैसी एड्रेस बताओगे आप बता दोगे कि ये NIC कार्ड है। लेकिन आईपी एड्रेस जो है वो सॉफ्टवेयर है, मैंने आपको बताया ना, आप सेटिंग पे जाइए और इसको चेंज कर दी, तो ये सॉफ्टवेयर है। ऐसे नहीं कोई ये फिक्स नंबर हो गया, इसको आप जिंदगी भर चेंज नहीं कर सकते, इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं या चेंज होता रहता है। मैक एड्रेस जो है वो 6 bytes का हेक्साडेसिमल एड्रेस है। 6 bytes का हेक्साडेसिमल मतलब 6 bytes, 1 byte होता 8 bit, तो 48 हो गए। 4 byte आपका IPv4, 4 into 8 मतलब 32 हो गया ये, और ये 16 byte, 16 into 8 ये कितना हो गया 128 bit। IPv6 एक तो 128 bit और IPv4 आपका 32 bit। मैक एड्रेस आप देखिए बनता कैसे है, ये आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ऑक्टेट होंगे, इसके बीच में डॉट भी लग सकता है, इनके बीच में हाइफन भी लग सकता है, ऐसे नहीं बताऊंगा यहां बताता हूं, हाइफन भी हो सकता है, इनके बीच में कोलन भी लग सकता है, ठीक है। और IPv4 का एड्रेस जो आप देखें ये डॉटेड डेसिमल है, क्योंकि इसमें ये डेसिमल नंबर है, ये डॉट से सेपरेटेड है। IPv6 के बारे में बात करेंगे तो ये आपका हेक्साडेसिमल है और ये कोलन से सेपरेटेड है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, ये एग्जाम्पल यहां भी दिया हुआ है, यहां भी दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल हो सकता है, आपको एग्जाम्पल दिमाग में बैठा लेना है। पहले 3 जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं और बाकी 3 जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन खुद देता है जब वो आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को मैन्युफैक्चर कर रहा हो। आईपी एड्रेस का एग्जाम्पल ये है, ये आपका क्लास ए का एड्रेस है, आप ध्यान रखिए 1 से लेकर 127 तक क्लास ए, फिर 127 से लेकर 127 से लेकर आगे बढ़ जाइए आप तो क्लास बी आ जाएगा, यानी कि 191 तक, फिर 192 पे से जाइए 223 तक, तो आपका क्लास सी एड्रेस हो जाएगा। तो ये क्लास फुल बता रहा हूं आपको, हर क्लास के अलग अलग रेंज होती है, जैसे आपका ये 192.23 है, इसका सबनेट सबके सबनेट मास्क होंगे, फिक्स सबनेट मास्क होते हैं, और उसके बाद डिफॉल्ट, उसके बाद आप चेंज भी कर सकते हैं। क्लास डी और क्लास ई इनके कोई सबनेट मास्क नहीं होते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका मल्टीकास्टिंग के लिए है, ई जो है आपका इसके लिए है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए है।